यहाँ से बॉल हिला, ये देखे थोड़ा जरा उन्हें शौक हो क्योंकि वो बहुत हैवी बॉल रहा था, पीछे वेट हिल रही, देखो गौर करो आप लोग, शौक हो के भाग रहा कुछ चीज देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्वागत है आप सभी का आमेड्स डेन में। जी हाँ, बहुत टाइम के बाद एक हॉरर कंपाइलेशन के साथ मैं आपके आगे आया हूँ। और गाइस, ये टाइम कुछ लेटेस्ट ट्रेंडी वीडियोस है और शॉकिंग वीडियोस है जो आपको हैरान करेगी। क्या चीज़ का वर्क है, इधर हॉन्टेड प्लेसेस है या इन लोग को कोई चीज का फोर्स खींच रहा था। शुरू करते हैं हम कुछ अजीब वीडियो क्लिप्स के साथ, वक्त ज़ाया नहीं करते। तो नए मेरे चैनल को प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन बिफोर दिस वीडियो स्टार्ट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो एक बंदा जिम करने आता और इतने लोग टैग करे इसके अंदर कि मेरे को आप लोग को बताना बहुत जरूरी है। तो चेकआउट करते हैं कि रियल है या फेक, और एंड में कंक्लूड करेंगे आपके साथ मिलकर। आदमी काम कर रहा y de esto hay una segunda toma, ahorita le muestro la segunda toma, de que y hay cosas que se ven en la primera, chelo, ahí, mira eso, mira eso. यहाँ से बॉल हिला, ऐसा के पास ये देख देखे थोड़ा जरा उन्हें शौक हो क्योंकि वो बहुत हैवी बॉल रहा था, पीछे वेट हिल रही, देखो गौर करो आप लोग, शौक हो के भाग रहा मियो के ले पासो मिरे नो नो eso no es normal eso no es normal no हमेशा आप लोग गौर करो, ब्राजील मेक्सिको ऐसे जगहों के जब भी मैं क्लिप्स लाता हूँ तो कुछ ना कुछ रहता। देखो इसको मैं फेक नहीं बोलूंगा, ये वाली वीडियो को भाई एथलीट रहने दो, इन्हें मतलब वो जिमनास्ट रहने दो। ये तरीके से जो उसका पहरावा में गया, कोई चीज़ पोल कर रही ऐसा दिखा भी नहीं। तो चलो पीछे लाइट्स ऑन ऑफ कर रहे या वेट्स को ढकल रहे, मैं मानता हूँ कर सकते हैं, पॉसिबल है, मैजिक ट्रिक्स वैसे ही करते, मगर ये इंसान को ऐसा खींचे जाते हुए देखना, कुछ फोर्स तो था भाई वहाँ, कुछ तो था वहाँ पे। देखो आदमी का रिएक्शन भी मायने रखता बहुत, ये देखो अभी ने वेट्स उठाने का क्या करने का नहीं मालूम, ये देखो बॉल हिला, वेट का बॉल था, वेट वाला बॉल था, तो थोड़ा शौक हुआ इन्हें। और अकेले जिम में रहे तो क्या करेंगे भाई हालत, ये देखो अब उन्हें ये इम्पॉसिबल यार, जो तरीके से उन्हें भागा ना, इसे क्लियरली दिखता कि अनएक्सपेक्टेड था। अगर एक्टर एक्टिंग करता तो थोड़ा बहुत पहचान लेते कि यहाँ फेक कर रहा है या वहाँ पे फेक कर रहा बोल के। ये वीडियो मैं तो मानूंगा रियल है, तो जो भी टैग करे मुझे बिल्कुल सही करे, बेहतरीन करे आप लोग। ये मेक्सिको एक स्टोर है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मालूम हुई सोए के दे, तो ऐसी कुछ खतरनाक चीज़ आई जो इसको फॉरवर्ड करेंगे थे लोग। हर चीज ऐसी शॉकिंग, इंसानों को ही खींचने वाली क्यों है? Whoa. Viewers believe that a malevolent force is responsible for this terrifying encounter. But of course, what do you think? Could this be footage of a supernatural force or a stunt that was pulled off using practical effects? Is it real or fake? भाई जो तरीके का पुल है और वो पैर को पकड़ रही लड़की, ऐसा दिख रहा है उसको कोई चीज खींच रही, जैसा वो जिम में लड़की के साथ हुआ। मगर अगर देखा गया तो कैमरा एक ऐसे पॉइंट पे था स्टोर के जो कि बहुत अनयूजुअल है, और उन्हें बॉक्स में से कोई चीज़ सामान आप ढूंढ रहे तो आपको मिल जाती।
आप ढूंढते रह रहे डब्बे में सामान, और सडनली आपके साथ चीज हुई, बोले तो यहाँ पे ऑकवर्ड दिख रहा, तो क्योंकि कैमरा शेक भी हो गया, हिल गया। अब इसके अंदर क्या बोल रहे ये लोग कि कैमरा खुद से शेक हो गया वही वक्त पे, तो हालत आउट हो जाती है भाई। अगर कोई इंसान वाकई में ऐसा रहता और उसको कोई खींच देते ऐसा। पिक्चर वॉज टेकन ईयर्स अगो बाई द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड सीन इन द फोटोग्राफ, दे डिड नॉट नोटिस एनीथिंग अनयूजुअल अबाउट द फोटो अंटिल रिसेंटली, इट गोज विदाउट सेइंग बट द पेरेंट्स वर टेरिफाइड आफ्टर सीइंग द थिंग बिहाइंड देयर चाइल्ड। आई हैव नो आइडिया, मगर जितना भी रहो एक फोटोग्राफ या पिक्चर को सबसे ज़्यादा लोग देखते, तो उन्होंने अननोटिस कैसा रहा मेरे समझ नहीं आ रहा। अब इनको भेज तो दिए शख्स को। नया घर है, खाली घर है नहीं मालूम। कोई फोन पे बात कर लेते जा रहा हो ऐसा दिख रहा मेरे को। क्या है नहीं मालूम, इल्ला बोल रहे कि घर खाली रह रहा है या बिक रहा नहीं तो तोड़ दे कुछ कर रहे फलाना, मैं सुना तो नहीं। बट ये शैडो फिगर कोई फोन लगाने के बात कर लेते जा रहे हैं। अपन रहते तो खुली बात भागते थे, और भागने के बहुत तरीके रहते मेरे पास। बहुत तेज भागना है, मैं इससे भागता हूँ नहीं, अपने को भागना है इज्जत रखते हुए, जरा पोजा मारते हुए बोले तो। तो गाइस अगर आप लोग को भी ऐसे टाइप के शूज में भागना है या मेरे वैसे शूज का कलेक्शन चेकआउट करना है तो ये चेकआउट कर लेना। कलेक्शन बहुत ही वर्सेटाइल है, डिफरेंट है, ड्यूरेबल है और लाइट है। कोई भी चीज पे पहन लो आप, कैजुअल, डेनिम, जीन्स, वर्कआउट, कोई भी चीज में ये शूज जम जाते। अगर आप इसे कंपेयर करें दूसरे वेबसाइट से भी तो ये सबसे कम दाम में आपको ऑफर मिल रहा। ये मल्टी कलर का शूज जिसका ओरिजिनल दाम है 599 रुपीज, आपको मिल जाएगा डील ऑफ द डे में 499 रुपीज में। सिर्फ आप लोग के लिए 24 आवर्स का डील ऑफ द डे रहता। जल्दी जाइए आप लोग चेकआउट करिए इन्हें। शूज पे 5-स्टार पॉलिसी है, फ्री शिपिंग, इजी रिटर्न, इजी एक्सचेंज एंड एवरी शूज वर अप टू 50-80% ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस। तो नए कस्टमर्स के लिए एडिशनल 10% का डिस्काउंट है। आप लोग को बस मेरा लिंक नीचे फॉलो करना है, वहाँ पे जाके शूज को चेकआउट करना है। और आप लोग के ऑर्डर्स के आसानी के लिए व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप बड़ी भी कर सकते हैं आप नीचे दिए गए हुए लिंक डिस्क्रिप्शन। इन नए कलेक्शंस को चेकआउट करना ना भूले, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है नीचे, गो चेक इट आउट नाउ। अब कुछ ना कुछ होता। अरे इसकी पहली बात, इनके हमामों में कैमरास क्यों लगे हुए? अरे सेम स्पॉट बोले तो। काइंड ऑफ वेरी डिस्टर्बिंग। It's the last clip that's hard to explain. Oh, it could be that the video is playing in reverse, making it seem as though it threw itself in when it actually fell into the basket. But even if the video wasn't reversed, it doesn't explain how the laundry fell into the basket. अगर समझो मैं, मेरे को रिवर्स ही दिखाओ, सब चीज मानता था। अगर सिंगल स्पॉट पे इतनी चीजें हो रही बोले तो 1001% ये घर हॉन्टेड था। अभी भी मान लो मैं हॉन्टेड है, अगर ये लॉन्ड्री में उसके, अगर वॉशिंग मशीन में ये कपड़ा जा भी रहा था, रिवर्स कर दिया समझो वीडियो, फेक कर रहे, तो लॉन्ड्री बास्केट में वो आके कैसे जा रहा, ये पते की बात है। तो लास्ट क्लिप को छोड़ के बाकी का, वो रूफ लाइट तो गिर गई, चलो कोई बात नहीं, पुराना घर बोल सकते, मगर बाकी चीज़ें फेक नहीं थे, वो तो रियल थे। मेरे को तो 1001% ये हॉन्टेड दिखा गया। भाई बिल्ली ऐसा क्यों देख रही हो चीज़ को? बिल्ली की कैसी फटी पड़ी हुई है ये, क्या एलियन दिख रहा हो या जानवर यार? आंख दिख रही ना, यहाँ पे आंख दिख रही है, क्या है? What the hell? भाई ये क्लिप फेक तो नहीं है, ये सीसीटीवी का है। अरे बिल्लियां कुत्ते अलग फाड़ते हैं घरों के। Or something peeking at the cat from behind the doorway.
It seems to be peeking sideways, with its hands gripping the doorway's frame on one side. बिल्ली है कोने में घर के और उन्हें वियर्ड चीजें देख रही है जानवरों को पता नहीं क्यों हर चीज इतनी खतरनाक दिखती बिल्ली भी बौरान है के हैरान बौरान परेशान अरे सिंक में से उठ के एक प्लेट में गिरा अरे बाप रे बिल्लियों को दिखता नहीं मालूम अगर कुत्तों को तो दिखता भाई Over the years, Tammy has captured countless motion-activated videos of terrifying activity in her home, and she. Mono, that's good. Oh, nani? Whoa, she's on it. She's confused and possibly dehydrated, just sitting there as if in a daze. But his camera is still recording. जब वीडियो में इतना अंदर तक चले आते हैं ना तो गूज़बम्स आना शुरू हो जाते हैं और अटेंशन ग्राफ करके सडनली कुछ करे तो यहाँ अपना दिल रुक जाता क्या देखा उन्हें As he turns around, he sees a man wearing a traditional Japanese robe, kneeling at a Buddhist altar on the other side of the abandoned home. अरे अभी स्नैपचैट वाले और इन लोग चाइनीज के मैं नहीं मानता There he is, in the window again. वो क्या था बिल्ली थी क्या था Oh my God. No. Oh. Yo is about being alone in the lamb house for 72 hours. कुछ चीज़ देख लेते हैं Wow. फिर खुल रहा ये क्या है इसके हाथ में मैं रोज ये वो या अल्लाह बिस्मिल्लाह बाकी आवाज है यार वे क्या है लाइट रिफ्लेक्शंस कैसा भी पड़ते तो गाइस ये थे कुछ क्लिप्स हॉरिफाइंग होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और थोड़े अच्छे थे थोड़े रियल थे थोड़े स्पूकी थे वाकई बस थोड़े बहुत फाड़े और बस एकदम इतने फेक थे कि दिल तोड़ दिए तो होप मैं आप लोग के आगे ऐसे और वीडियोस लाते रहूँगा सपोर्ट करिए मुझे शेयर करिए इसे व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जिधर भी आप देख रहे हो और गाइस नए शूज़ का कलेक्शन ट्राई आउट करना ना भूलें इन सभी के लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और बहुत सारा कलेक्शन मैं आपके आगे लाते रहूंगा मेरा लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं लाइक करिए मेरे इस वीडियो को कमेंट करिए नीचे कि आप और अगला कंटेंट क्या देखना पसंद करेंगे मैं सीक्रेट सैटानिकल्स भी आपके आगे लाना सोच रहा हूँ फिर आऊंगा जल्द एक नई वीडियो के साथ दुआ में याद रखिए मुझे टिल देन टेक केयर एंड मा सलामा